आज हम कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि कूलिंग जब आखिर हम गाड़ी में डालते हैं तो उसको कैसे यूज होता है। बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि कूलेंट का क्या यूज है, गाड़ी को कूलेंट क्या क्या करता है, कूलेंट आखिर गाड़ी में हम लोग क्यों डालते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कर्णेश कौशल और आप हमारे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा बहुत प्यार दिया है। आज हमारे 43,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम बर्नेट को खोलने वाले हैं। इस बर्नेट को आप पप्पू जी थोड़ा हेल्प कीजिए मेरा, हमारा उस बर्नेट को खोलिए तो ज़रा, उधर भी नॉफ होगा, उधर भी जाके खोल लीजिए। और साइलेंसर और थोड़ा साइलेंसर को भी निकाल दीजिए, तो एयर फिल्टर एयर को भी और साइलेंसर को भी सीट पर रखिए, वहीं भी रखिए, रख सकते हैं। गर्म है क्या? उठाइए तो बर्नेट को ओपन कीजिए पूरा। तो ये है इंजन। आखिर बड़े गाड़ी में ही क्यों होता है? एक्चुअली छोटे गाड़ी में तो हम बता दे सकते हैं क्योंकि इस बड़े गाड़ी पे हम आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इसीलिए मैंने अपना ट्रैक्टर का यूज कर रहा हूँ। मैं तो ये वीडियो आप लोगों को अपने कार पे भी दिखा सकता था। तो एक्चुअली होता क्या है, उस पर कार बहुत सारा कंजेस्टेड इंजन हमारा रहता है जिससे कि बहुत सारा वीडियो हमारा नहीं आ पाएगा वहाँ पर। तो इस ट्रैक्टर के मदद से आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कूलिंग सिस्टम का क्या है, कैसे कूलिंग सिस्टम वर्क करता है इंजन पे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये देख सकते हैं, ये रेडी वाटर है, ठीक है। रेडी वाटर का यहाँ पे एक ढक्कन है और ये रेडी वाटर का कूलेंट का बॉक्स है, इस यहाँ पे कूलेंट डाला जाता है, यहाँ पे भी डाला जाता है, ठीक है। और ये चलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ये हमारा होस्ट पाइप है, ये इसे अपर होस्ट पाइप कहा जाता है। मैं आपको उस साइड पे जाके बताने वाला हूँ लोअर होस्ट पाइप किधर है। तो ये रहा लोअर होस्ट पाइप, इसे लोअर होस्ट पाइप कहा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली करता क्या है, प्रोसेस मैं आपको ज़रा बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जब कूलेंट हम लोग डालते हैं, ठीक है, कूलेंट डालने के बाद बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर देखा वीडियो, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कूलेंट आप लोग इसलिए डालते हैं इंजन पे क्योंकि वो इंजन को ठंडा रखता है। जी नहीं, बिल्कुल आप लोगों का ये सोचना गलत है कि इंजन को ये कूलेंट ठंडा रखता है, ये ठंडा करने का काम नहीं है, अदरवाइज ये तो फ्रिज का काम आता ना। ये काम है इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ शुरू से। देखिए अगर हम यहाँ पर कूलेंट डालेंगे, ठीक है, ये इसका प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कूलेंट का क्या यूज है, सिस्टम कैसे कूलिंग सिस्टम का। तो अगर हम यहाँ पे कूलेंट डालते हैं, इसका प्रोसेस है, रेडी वाटर का काम है कि बूंद बूंद में ये नीचे जाता है पानी, जिसे आप कूलेंट भी कहते हैं हम लोग, या जनरली कोई भी पानी यूज नहीं करता है, कूलेंट ही डालता है। तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे बूंद बूंद नीचे जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, ये फैन एब्जर्व करता है उधर से एयर को। एयर को एब्जर्व करने का मतलब ये है कि ये जो रेडी वाटर है, रेडी वाटर को वो हवा को एब्जर्व करता है। एब्जर्व करने से क्या होता है, जो बूंद बूंद जो पानी, सॉरी पानी नहीं, कूलेंट जो आ रहा है नीचे, उसको ठंडा करता है। उस ठंडा करने के बाद यहाँ से लोअर होस्ट पाइप से, लोअर होस्ट पाइप इसे कहा जाता है, नीचे रेडी वाटर से जो कनेक्ट है, तो लोअर होस्ट पाइप से ही करता क्या है, ये ठंडा हो गया है, जब कूलेंट ठंडा हो जाता है तो इसको यहाँ से प्रोसेस होते हुए ये इंजन पे जाता है। अब इंजन पे जाने के बाद क्या काम है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इंजन एक्चुअली जो तीन सिलेंडर के जो इंजन है, तो वो जो पिस्टन अप डाउन होता है, जिससे क्या होता है कि इंजन हमारा हीट होता है। हीट होने से इंजन अगर बहुत अधिक हीट हो गया है ना, तो हमारा इंजन सीज हो सकता है। इसलिए सीज होता है क्योंकि जो पिस्टन अप डाउन होता है, उस साइड में जो
फ्रिक्शन गर्मी का होता है, बहुत गर्मी पैदा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ को उस साइड में, वो इंजन का साइड पे, इंजन का साइड में वहाँ कूलेंट साइड साइड में वो जाता है। तो ये ठंडा कूलेंट जो हमारा गया है वो इंजन को मेंटेन रखता है, बहुत अधिक हीट नहीं होने देता है। हीट होने से क्या होता है ना, एक्सपेंड होता है, पिघल जाता है लोहा। तो वो पिघलने से क्या होता है कि फिर से हमारा इंजन ही सीज हो जाएगा, इसीलिए उसको यूज करते हैं हम लोग कूलेंट का। तो ये कूलेंट नीचे से प्रोसेस होके यहाँ पे गया, फिर इंजन पे गया, ठीक है। इंजन के जाने के बाद यहाँ से जब फिर यहाँ पे जब ठंडा कूलेंट गया, तो ये ठंडा जब कूलेंट गया तो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। अब फिर 70 से 80 डिग्री होने के बाद फिर से क्या होता है, जब देखता है कि इंजन जब देख रहा है कि कूलेंट बहुत अधिक गर्म हो गया है, तो उस साइड से मैं आपको थोड़ा सा जा रहा हूँ उस साइड, जब अधिक बहुत अधिक गर्म हो जाता है वो कूलेंट या फिर इंजन में जाके, तो ये कन्वर्ट हो गया जो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट जो होता है वो काम करता है। जब 70 से 80 डिग्री प्रतिशत से ज़्यादा जब गर्मी हो जाता है इंजन के अंदर कूलेंट, तब फिर से उसको क्या करता है, ये कूलेंट उसको निकालता है और ये कूलेंट फिर से वापस जाके फिर रेडी वाटर में जाता है, ठीक है। तो रेडी वाटर का काम यही है कि वो उसको कूलेंट को ठंडा करता है। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ। कूलेंट डाले, ठीक है, कूलेंट डालने के बाद ये रेडी वाटर में गया, रेडी वाटर एब्जॉर्ब की हवा, एयर को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब उस करने के बाद कूलेंट को ठंडा करता है, वो जो बूंद बूंद में जो कूलेंट हमारा आ रहा है उसको ठंडा करता है, ठीक है। ठंडा करने के बाद लोअर होस्ट पाइप से इंजन पे जाता है, वो इंजन पे जाने के बाद वो इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कूलेंट, ठीक है। जब कूलेंट 70 से 80 डिग्री फिर जब गर्म हो जाता है, तो उसको फिर से वापस इंजन उसको भेजता है अपर होस्ट पाइप के द्वारा, फिर इसको रेडी वाटर पे, तो रेडी वाटर पे फिर जाने के बाद वो फिर से ठंडा होता है। बस यही प्रोसेस है कि इंजन कूलिंग सिस्टम का। तो आई होप डैट आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कूलिंग सिस्टम का क्या यूज है। और इसी तरह वीडियो आप देखने के लिए प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में लिखिए अगर आपका कुछ भी सवाल हो, और हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिए। और मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट में बताने वाला हूँ कि ये जो जब कूलेंट कब चेंज करना चाहिए, तो उसको कूलेंट को चेंज करने के लिए मैं आपको दूसरा टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ही जल्द मैं उस वीडियो को बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।